अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने आरजीगढ़ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल दुष्कर्म और हत्या की घटना के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। सेफ्टी सबसे बड़ी डिमांड है हमारी। हमारा जो मेडिकल हॉस्पिटल है या हमारे जो इमरजेंसी ड्यूटी है वो ऐसा जैसे हमारा घर है। हमारे साथ हमारे घर में घुस के हिंसा हुई है और जो कि आप अपने साथ बर्दाश्त करेंगे अगर आपके घर में घुस के कोई आपको मार दे तो हम वही तो हमारी सेफ्टी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसी के लिए हमारी डिमांड है। इतनी बड़ी डिमांड तो नहीं कर रहे हैं ना, अपने घर में अपनी सेफ्टी डिमांड कर रहे हैं। कितने दिन हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, क्या कहेंगे इसको लेकर जिस तरह सरकार? अभी तो बिल्कुल कोई भी रिस्पांस नहीं है, ना क्रिमिनल पकड़े गए हैं, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, किसी भी तरीके से कोई क्लैरिटी नहीं दी जा रही है और ना ही इन्वेस्टिगेशन इतनी फास्ट हो रही है। तो हम लोग बहुत ज्यादा शेमफुल महसूस कर रहे हैं। इतनी बड़ी फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं, इतनी बड़ी डॉक्टर एसोसिएशन है बट कोई भी स्टैंड नहीं ले रहा है। तो अगला कदम क्या रहेगा जिसकी गिरफ्तारी अब तक? प्रोटेस्ट करेंगे, हम सड़कों पर उतर आएंगे, जब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। हम लोग का प्रोटेस्ट ये है कि जो डॉक्टर महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर हुआ है उसको इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा मांग यही है कि क्या कहते हैं इंसाफ कार्रवाई, इंसाफ उसका क्या कहते हैं जाँच हो और जो एक्यूज्ड है उसको क्या कहते हैं सख्त से सख्त सज़ा मिले। और मेरा दरख्वास्त ये भी है कि मीडिया लोग से ये भी दरख्वास्त है कि आप लोग भी इस मुद्दा को उछालिए और लोगों के बीच में फैलाइए कि और ये सब जो रेप और मर्डर हो रहा है वो भी रुके। अभी तक सीबीआई टीम के बैठ गई, इंक्वायरी भी हो रही है, अभी तक कोई क्या कहते हैं उसका कोई खुलासा कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है, ना एक्यूज़ पकड़ा जा रहा है ना एक्यूज़ का कुछ पता है। हम सरकार से और सरकार से यही अपील करना चाह रहे हैं कि जो एक्यूज़ है मेन एक्यूज़ है उसको पकड़ा जाए और उसको सख्त से सख्त सजा दिया जाए।